गांधी वाटिका, गांधी जी की स्मृति चिन्हों में से बहुत ही शानदार जगह, जहाँ पर गांधी जी की अनेक स्मृतियाँ संकलित की गई हैं। ये भारत का महत्वपूर्ण गांधी जी की स्मृतियों को संकलित करने वाला स्थान है। यहाँ पर हम बताएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी गांधी से जुड़ी हुई घटनाओं का, आंदोलनों का, पुस्तकों का, उनके द्वारा चलाए गए बहुत सारे समाचार पत्रों का संकलन है, और तमाम घटनाओं को आज की इस नई AI टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रदर्शित और जीवंत करने की कोशिश की गई है। ये है एक अद्भुत गांधी जी का स्थल, जिसको कहते हैं गांधी वाटिका। गांधी वाटिका में गांधी जी की बहुत सारी जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं, बचपन से शुरू होकर के और उनके अंतिम पड़ाव तक की कहानी हो। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गांधी जी एक सामान्य लेवल के छात्र के रूप में रहे। उन्होंने प्राइमरी शिक्षा राजकोट के प्राइमरी स्कूल से पूर्ण की और उनकी मैट्रिक शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल से पूरी हुई। वहाँ पर ही उन्होंने अपनी कॉलेज शिक्षा को पूर्ण किया। कॉलेज शिक्षा के बाद उनकी बैरिस्ट्री की शिक्षा लंदन से पूरी की। लंदन से बैरिस्ट्री की शिक्षा पूरी करने के बाद जब आप भारत या मुंबई लौटे तो मुंबई में उन्होंने एज यूजल अपनी प्रैक्टिस को स्थापित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वहाँ उनकी वकालत नहीं चली। इस स्थिति में गांधी जी को अपनी वकालत को सुचारू रखने के लिए उन्होंने साउथ अफ्रीका डरबन को चुना। डरबन के अंदर एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत महसूस हो रही थी जो गुजराती और अंग्रेजी दोनों का ज्ञान रखता हो, उसमें सहज हो, तो गांधी जी से बढ़िया कोई व्यक्ति नहीं था। इसके लिए गांधी जी ने डरबन का रास्ता अपनाया और गांधी जी वहाँ जा करके ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के रूप में एक सफल व्यक्ति के रूप में सफल हुए। आप जानते हैं कि उस समय ह्यूमन राइट वायोलेशन सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका में हो रहा था। वहाँ चमड़ी के रंग के आधार पर गोरे लोग काले चमड़ी के लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार करते थे। एक बार की दुर्दांत घटना इस प्रकार है कि गांधी जी डरबन से जब फर्स्ट क्लास के टिकट के साथ ट्रेन से यात्रा करने के लिए ट्रेन में सवार हुए तो उनको गोरी चमड़ी वालों ने, उनके अधिकार होने के बावजूद भी, उनको ट्रेन से धक्का मार दिया गया और उनको बाहर कर दिया गया। गांधी जी के बहुत अनुनय विनय और अपने अधिकारों की बात करने के बावजूद भी उन्होंने सब को नज़रअंदाज करते हुए गांधी जी में धक्का दे दिया गया। गांधी जी के दिल और दिमाग पर बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाली घटना थी। गांधी जी ने अपने मन में ठाना कि मुझे इन गोरी चमड़ी वालों लोगों के प्रति मुझे सत्ता और शासन और मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जो उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ था उन्होंने उसी समय ठान लिया कि मुझे अब भारत की तरफ रुख करना चाहिए। सर्वप्रथम चंपारण के अंदर किसानों के एक उग्र आंदोलन का नेतृत्व किया, मगर गांधी जी चूंकि पहले ही निर्धारित कर चुके थे कि सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के साथ ही वो ये सब कार्य करेंगे, तो गांधी जी का पहला प्रयोग जो उन्होंने इस आंदोलन के रूप में नेतृत्व करके किया, चंपारण का किसान आंदोलन, जिसमें उन्होंने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से किसानों को अपने आंदोलन की सभी मांगें सरकार से मनवा ली गई। कुछ धान खाने के, गेहूं उगाने के लिए भी परमिशन सरकार से दिलाई थी। इसके साथ ही 1918 के अंदर खेड़ा गुजरात के अंदर किसान आंदोलन उग्र हो गया, तब गांधी जी ने उस किसान आंदोलन का भी नेतृत्व किया। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, उसके आधार पर ही खेड़ा के किसान आंदोलनों को नेतृत्व करके उन्होंने सरकार से टैक्स कम करने की मांग को पूरा कराया। इसके बाद नमक सत्याग्रह हो या फिर नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट हो या फिर सिविल डिसोबीडियंस हो या फिर भारत छोड़ो आंदोलन हो, इन सभी आंदोलनों का गांधी जी ने सफल नेतृत्व किया। कारण एकमात्र था, वो था कि गांधी जी पर पूरे जनमानस के मन पर प्रभाव था। आपने गांधी को जिया है, समझा है, विद्यार्थियों को पढ़ाया है, आप गांधी के चिंतन आपने उसको प्रैक्टिकली लाइफ में अपनाया है। आप हैं पूर्व वाइस चांसलर, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व अध्यक्ष और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट, जो कि राजस्थान नहीं पूरे भारत में पहली बार स्थापित हुआ, उसके पूर्व निदेशक हैं आप, प्रोफेसर BM शर्मा। महात्मा गांधी इस दुनिया में ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने दुनिया को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। समाज में भाईचारा हो, आपस में लोग प्रेम और आपसी सौहार्द के साथ जिए, इसका एक संदेश महात्मा गांधी ने दिया है। वो कहते हैं कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश। आज दुनिया में हिंसा का तांडव हो रहा है, जगह जगह देख रहे हैं
कि युद्धों की विभीषिका हमारे सामने, मानव के अस्तित्व के सामने अनेक प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है। इन सबका अगर कोई समाधान है, इन सबका अगर कोई विकल्प है तो गांधी के विचार है। तो गांधी के विचारों को हमारा समाज जाने और विशेषकर हमारा युवा जगत इन संदेशों को जाने, उनके विचारों को जाने, इसके लिए राजस्थान में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। और ये जो इंस्टीट्यूट स्थापित की गई वो शांति और अहिंसा विभाग के तत्वावधान में स्थापित की गई। इस इंस्टीट्यूट का जो प्रमुख ध्येय था कि हम युवाओं में गांधी के विचारों का प्रचार प्रसार कर सकें, इसके लिए हमने डिविजन लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और सब डिविजन लेवल पर जो विद्यार्थी हैं उन तक हम गए और लगभग राजस्थान के 20,000 विद्यार्थियों को हमने गांधी के विचारों से अवगत कराया। गांधी भवन राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, ये महात्मा गांधी स्टडी सेंटर के रूप में स्थापित है। ये केवल राजस्थान विश्वविद्यालय का ही नहीं मगर पूरे उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण स्टडी सेंटर है जो गांधी के ऊपर विद्यार्थियों को नए नए आयामों की शिक्षा देने के लिए है। केलन मार्ग जयपुर राजस्थान, ये केवल जयपुर का ही नहीं बल्कि संपूर्ण राजस्थान का गांधी की स्मृतियों में से एक है। यहाँ पर प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को गांधी जयंती और गांधी की पुण्यतिथि पर राज्य सरकार का मेला लगता है। गांधी जी के विचारों को जो कि सत्य, अहिंसा, एकता, युवाओं के अंदर भाईचारा पर आधारित थी, उसको आगे ले जाने वाले हमारे दूसरे महापुरुष डॉक्टर एस एन सुब्बाराव, जिनके नाम को लिए बिना गांधीवाद कैसे पूरा हो सकता है, तो वो है एस एन सुब्बाराव, जिन्होंने युवाओं में एकता, भाईचारा, स्वावलंबन, अहिंसा के विचारों को कूट कूट करके भरा।